Yeah. Like, that's how I teach it. You know, like, that's... So relaxing. This is what quarantine does to you. You allow things like this to happen. And you're getting a haircut with kitchen scissors. This, can you see this gradual fade? Mm. Nice. It's a new look I've created. Yeah. Aur badhiya ye dekho. Beautiful haircut by my wife. She's continuing her great work. As you can see. यहाँ पे आज हम दोनों ही सिर्फ अवार्ड्स और जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने वाली है उसके बारे में बात करेंगे. तो आई थिंक उस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमको बहुत खुशी है कि ये अवार्ड्स हो रहे हैं और ऑनर्स हो रहे हैं और ये बच्चों को जिनको स्कॉलरशिप मिलती है उनके लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है. इस चीज़ को हमको रिकग्नाइज़ करना चाहिए. तो ये बाकी चीज़ों के बारे में बहुत टाइम होता है बात करने का, हम लोग इंडिविजुअल भी करते रहते हैं लेकिन आज अगर इस पर फोकस करेंगे तो अच्छा है. गुड इवनिंग अनुष्का जी. गुड इवनिंग. हाउ हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस फाउंडेशन और आपका खुद का भी एनजीओ है ह्यूमैनिटेरियन के लिए. आप ग्राउंड्स पे आप काफी काम करते हैं, इसके साथ कैसे जुड़ी अगर आप बता दें. आई थिंक मैं इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड इससे जुड़े हुए हैं एंड आई थिंक ये बहुत ही एक यूनिक इनिशिएटिव है जहाँ पे आप अपकमिंग टैलेंट को, एथलीट्स को जिनमें बहुत हुनर है, बहुत कैपेबिलिटी है, आप उन्हें एक बैकिंग देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं एंड स्पेशली ऐसे स्टेज पे देते हैं जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. एंड आई थिंक विराट ने मुझे बहुत रीजंस दिए हैं टू बी वेरी प्राउड ऑफ हिम बट दिस हिज फाउंडेशन एंड हिम गिव मी अनदर रीजन टू फील प्राउडर बिकॉज ऑफ द वर्क दैट दे हैव बीन डूइंग अंडर द फाउंडेशन. एंड आई थिंक सारे स्पोर्ट्स को आप कवर करते हैं एंड दैट इंक्रीजेज योर स्पोर्टिंग कल्चर एंड यू नो द लव दैट इंडियंस हैव फॉर स्पोर्ट्स एंड इट पुशेस दैट फॉरवर्ड. कोरोना वायरस के साथ जंग जीतने में समय लगेगा, हौसला लगेगा और सबसे ज्यादा लगेगा आपका संयम और जिम्मेदारी अगले 21 दिनों के लिए. कीजिए कुछ अहम चीजें कोरोना वायरस को दूर रखने के लिए. घर पर ही रहिए, अपने आप को और अपने परिवार को बचाइए कोरोना वायरस से. कर्फ्यू का उल्लंघन ना करें, ये महत्वपूर्ण है कोरोना वायरस को रोकने के लिए. घर से निकल के मोर्चा बनाकर या शोर मचा के कोरोना वायरस से जंग नहीं जीत पाएंगे. अंधविश्वास या अफवाह पे गौर करने से कोरोना वायरस से जंग नहीं जीत पाएंगे. आपकी एक लापरवाही की वजह से हम सबको और पूरे देश को चुकानी पड़ सकती है बहुत बड़ी कीमत. 21 दिनों तक इंडिया को घर पर रहना है और भारतवर्ष को बचाना है.